यदि मरवारी में दोनों प्रकार से चलती हुई शराब केला अपन गोदी में खिलाए नहीं तो समझ कोई सादर क्षमा तो बहुत शराब हरी
छत्तीस रंग फुलवारी ही के सारा तो छत्तीसगढ़ के पावन माटी अचहर से मुने के बसे रहेला और छत्तीसगढ़ के करिया बेटा जैसे गुरमा पागे के रहे कही सारा आओ दाई आज ही छत्तीसगढ़ ही बोली में यही छत्तीसगढ़ के पावन गाथा ला सारा ये लैके तो अपन टूटी फूटी भाषा में आप मन के बीच में सुनाए भर जात है दिखाए भर जात है कही सारा जय अमर वाणी में कोनो प्रकार से गलती हुई भैया कोनो प्रकार से टूटी हुई शराब केला सादर अपन गोद में खिलाए लेके समझ के क्षमा कर दू कही सारा आज जैन राजा के गाथा लगे भर जात मैया ओग्र नाता तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए है कही सारा बता थे वर्षों पहले मणिपुर नाम के एक नगर ऋषिराम जे है के राजा मौरध्वज होकर रानी पद्मावती एक जन होकर बेटा राजकुमार याखी के तारा प्राण के धारा राजकुमार ताम्रध्वज के हे सियाराम आज रानी राजा है तो ने अपन धर्म और सत्यता के लाज रखे खातिर सियाराम अपन याखी के तारा राजकुमार ताम्रध्वज रा आरम काट भगवान लगा नाम दे जिसके हे सियाराम वही करेले मणिपुर नाम के नगर रही ते आज आरम के नाम से जाने जाते कही सारा आज भी अगर शिला है तो प्रत्यक्ष रूप से ही कही सारा तो आज ही राजा के गाथा लय आप मन के बीच में ये लई के तो अपन टूटी फूटी भाषा में सराम आप मन के बीच में परोसे भर जात हो कही सारा गुरवाणी में कोनो प्रकार से गलती हो ही मैया एक बार फिर हाथ जोड़ के आप सबो से क्षमा है विनती है कही सियाराम तो सियाराम आप मल्ल ले चलते सुंदर राजा मौरध्वज के पावन कथा की ओर कही सियाराम तू पूरा तिरहुते ये गाता पार गाओरा तेला पूछा चिया हुरा खरो नदी के तीर कहे के मेला जेला घूमे लया हुरा पूरा भी होती काका पर तेला पूछा दया हुरा पूरा का होती काका पर
अगर है सतो मौर धज राज चलाती है राम। अरे मणिपुरी की नगर है सतो मौर धज राज चलाती है राम। अरे जिसकी रानी पद्मावती सतो पति चरणों में शीस झुकाती है राम। राम भजोतिया राम हो रामा, राम भजोतिया राम हो रामा, राम भजोतिया राम हो रामा। अरे बड़े दयालु वह राजा है संतो और धर्म ध्वजा फहराती है राम। अरे बड़े दयालु वह राजा है संतो और धर्म ध्वजा फहराती है राम। अरे भूखे को भोजन प्यासे को पानी और इस दिन सबको खिलाती है राम। राम वह नारी है संतो और सेवा पति की बजाते है राम। अरे बड़े पतिव्रता वह नारी है संतो और सेवा पति की बजाते है राम। हर निस दिन वह नारी संतो पति चरणों में शीश झुकाते है राम। राम भजो सिया राम हो राम, रानी पद्मावती सुंदर पति के चरण कमल में सेवा बजात है के सारा। आज रानी पद्मावती पति ला भगवान माने, पति ला ईश्वर माने, पति ला परमेश्वर माने के सारा। आज रानी पद्मावती दिन के बाद ले याद करत मैया जय बातला माता अनसुईया तो माता सीता ला बताए रखी के सारा। कहे की बेटी सीता नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, वो है पति धर्म सारा। आज रानी पद्मावती सुंदर भी बात ले याद करे मैया और सुंदर पति के चरण कमल में सेवा बजाते कहे सारा। रमये कही धर्म कही व्रत ने मारा पति पद प्रेम राम सिया राम सिया मोरे राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया मोरे राम राम सिया राम। ये गायो आज रानी पद्मावती बात ला सुंदर याद करे मैया और पति के चरण कमल में सेवा बजाते कहे सारा। आज रानी पद्मावती सुंदर पति परमेश्वर के आरती उतारे के तैयारी करते कहे सारा। कहे स्वामी तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा हो रहा, देवता हो रामा तुम्हें देवता हो रामा।
परमात्म सुंदर पति परमेश्वर की आरती तारी के बाद सुंदर प्रणाम करते कही सियाराम कही प्रणाम स्वामी प्रणाम स्वामी प्रणाम कही सियाराम राजा मोर ध्वज तुम कहे पद्मा उठो पद्मा पद्मा आज तुला का बात की चिंता है नारी आज तुला का बात की दुखी का बात की तकलीफ है तय सुंदर मोला बता दे कहे सारा रानी पद्मा है तुम कहे स्वामी आज मोला कोनो बात की दुख तकलीफ नहीं है स्वामी आज मोला कोनो बात की चिंता फिकर नहीं है कहे सारा रानी पद्मा तुम कहे स्वामी आज मोला का बात के दुख नहीं स्वामी आज मोला का बात की तकलीफ है कहे सारा आज भगवान के दे हमारे घर में अन्न धन गौ लक्ष्मी भरपूर भंडार भरे नाथ सुंदर माता रानी के कृपा ले आंगन में सात वर्ष के बालक तुम किरकारी मारत खेला थे कहे सारा रानी पद्मा तुम कहे स्वामी मोला कोनो बात की चिंता नहीं है स्वामी कोनो बात के फिकर में एक ही सारा राजा है तो उनके पद्मा देख तो बेटा का अमृत ध्वज कौन गली में गई जा तो ता सुंदर उला बलाई के लिए आते ही सारा वही समय में मंत्री है तो यहाँ थे कहे महाराज की महारानी की महाराज प्रणाम महारानी आज राजा मोरा ध्वज तुमके है मंत्री कस बेटा हमारे राज्य की सारी प्रजामन कुशल मंगल तो है ना बेटा सब सुख शांति में तो है ना कहे सारा मंत्री है तुमके है महाराज हमारे राज्य की सारी प्रजामन कुशल मंगल है महाराज सब सुख शांति में महाराज कोनो ना कोनो बात के तकलीफ नहीं है कहे सारा एक ही घाट में बघुआ एक ही घाट में बैला चारों तरफ पानी कहे सारा राजा मोरा ध्वज तुम कहे मंत्री देख बेटा यदि हमारे राज्य के कोनो प्रजा कोनो प्रकार से तकलीफ हो ही ना कोनो जनता ला कोनो प्रकार से कष्ट हो ही ना बोला हमार राज खजाना से रुपया पैसा धन दौलत यहाँ तक के कपड़ा लत्ता जेल जेल चीज के जरूरत है दस हजार दान में दे के प्रयास करके ही सारा मंत्री है तो इनके जो आज्ञा महाराज जैसे आप मन की इच्छा कहे सारा राजा मोरा ध्वज तुम कहे मंत्री देख तो बेटा ताम्र ध्वज तुम कौन गली में गई जा तो ता सुंदर बोला बलाय के ले आ कहे सारा मंत्री है तुम के थे जो आज्ञा महाराज अच्छा महाराज प्रणाम कहे सारा ये दे दाय हो आज मंत्री है तो ना लड़का लबला अगर जल्दी सारा और यदि लड़का के मिले लड़का सारा जहाँ चार घन लड़का देखे लड़का है तुम खेले पर भुला गए कहे सारा लड़का मन बंदर स्वभाव के होते मैया जहाँ दो चार घन अपन जोड़ वाला संगवारी देखी लई कहे तुम खेले पर भुला देते कहे सारा वही इसमें ढंग के लई कहे तुम खेले पर भुला दे शराब और सुंदर भगवान के भजन कीर्तन करत अपन राज महल की ओर आते कहे सारा ये तनी के राहत ले ये ताली के राहत ले तय काले सियारा चला तोरे पार जाहिरा I'm not afraid.
आगे कहे पिता श्री प्रणाम माता श्री राम कहे सियाराम। आज रानी राजा है तो उनके थे कस बेटा ते कौन गली कोर में की हम जमला ते जल्दी से आ जाते ना बेटा हम तो लानी देखे ना तो हम ला चिंता हो जा घर की कहे सियाराम। नहीं कहे तो उनके पिताजी एमा आज लड़के के मिले लड़का सियाराम जहाँ चार धन लड़का देखे ये लड़का है तो खेले बर भुला गयो कहे सियाराम। राजा रानी हिचन के थी कस बेटा तब भोले बेटा तो जल्दी से आने का बेटा हम तो लड़ी देखे ना तो हमला चिंता हो ना घर से कहे सियाराम। नहीं कहे तो उनके पिताजी आदमी ला ज्यादा चिंता करे के नो है सियाराम चिंता है तो नहीं आदमी ला चिंता बना दे थे कहे सियाराम। आज चिंता में चतुराई घटे और दुख में घटे अरे पापन में लक्ष्मी घटे तो कह गए दास कभी कही सारा। नहीं कहे तुम कहे पिताजी आज मेरा ज्यादा चिंता करे कि नो है सारा चिंता करे अच्छा बात नो है कहे सारा। रानी राजा है तुम कहते कस बेटा तोर मर चिंता नहीं कर बोला तो का कर मर चिंता कर बेटा एक ठन बेटा बेटा नहीं कह बोला एक ठन आखिर नहीं कहे कहे सारा। नहीं कहे तो उनके है पिताजी आज पर मन में एक विचार आया है सियाराम यदि आप मन की आज्ञा होती वो बात मैं आप कर रखते हो कहे सियाराम। राजा मोरा ध्वज तो कहे वाह बेटा ऐसे कौन से बात है बोला तुम बोला जल्दी से बताना बेटा जल्दी से बता दे कहे सियाराम। नहीं कहे तो उनके है पिताजी आज मेरा सरजी स्नान करे के विचार ही और सुंदर सिक्का खेल के कहे सारा। इतना बात ला सुनते रानी राजा है तो उनके थे कस बेटा कई कहा जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी में जा बोला कोमल कोमल तो पाँव है बेटा डोंगरी ला पहाड़ी ला पत्थर है कहे सारा। क्या कर ले अच्छा इसे कर हमारे घर में कुआ है कुआ में नहाली और फुलवारी ला नहीं कहे तो उनके पिताजी आज एक कुआ में नहत नहत यस कटा गए सियाराम ये फुलवारी में घूमत घूमत यस कटा गए सियाराम बोला शिकार खेले जाना है बने जा रहे कहे सियाराम। का कर वे दाई हो नहीं कहे तो नहट कर दी सियाराम। और ये संसार में तीन प्रकार के हट होते हैं सियाराम एक राजहट दूसरा बालहट और तीसरा त्रियाहट कहे सियाराम। कहते ना कि राजा है तो फलाना आदमी कल फांसी देना है इसे कहीं मतलब बोला फांसी हो भी नहीं कहे सियाराम। वैसे ढंग के लड़का मन के हट लाई यहाँ जाना है कल मतलब जाना है कहीं सियाराम। आज लड़का है तो हट कर दी और हट के सामने भी आज रानी राजा है तो हार गई कहीं सियाराम। रानी राजा है तो उनके कस बेटा तो लसिकार खिले के विचार है बोला तो तय जा और सुंदर समय में घर आ जब कहीं सियाराम। नहीं कहे तो उनके है पिताजी अच्छा पिताजी प्रणाम कहे सियाराम अच्छा माँ प्रणाम कहे सियाराम। हे दादाई हो आज लड़का है तो माता पिता के आज्ञा पाए के सुंदर शिकार खेले पर जंगल के रास्ते रानी राजा है तुमने अपना राज पाठ चलावत सुख के दिन लबिता थे कहे सियाराम। आओ ये के बात लो ये छोड़ो आप मल्ल ले चलते सुंदर राम राज्य की ओर कहे सियाराम। ये राम राज आगे हो रामा ये राम राज आगे राम Bye.
महाराज हतन सिंहासन में विराजमान ही और मन में विचार के रथी कि हे परमात्मा आज 18 दिन के महाभारत युद्ध रचित पर जीते प्रभु लेकिन हमर कुल के विनाश हो गए कहे सियाराम। एक कलंक दोन मन मस्तक में लगे सियाराम, एक कलंक मिटाना मोला बहुत जरूरी है कहे सियाराम। आज 18 दिन के महाभारत युद्ध में कका भतीजा मामा भाजा पूरा कुल के विनाश हो गए कहे सियाराम। एक कलंक मिटा खातिर वर मोला सुंदर अश्वमेघ यज्ञ की रचना करे ल पड़ी कहे सियाराम। लेकिन हाँ भगवान के नहीं एक सलाह के भी बहुत जरूरत है कहे सियाराम। ऐसे मन में विचार करके अर्जुन आवाज लगा थे कहिए भाई अर्जुन आ तो भाई। अर्जुन तुम कहे आज्ञा भैया, आज्ञा भैया, आज्ञा बड़े भैया, प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम कहे सियाराम। अर्जुन हे तुम कहे बड़े भैया आज मोला बुलाए के कारण का है बड़े भैया, तय सुंदर मोला बता दे कहे सियाराम। आज धर्मराज है तुन कहे अर्जुन तय सुन भाई सुंदर द्वार के पुरी में जा और भगवान को नहीं अलग लेके आ कहे सियाराम। अर्जुन है तुन कहे जो आज्ञा बड़े भैया, अच्छा बड़े भैया, प्रणाम कहे सियाराम। हे दिदाई हो आज अर्जुन है तुन धर्मराज के आदेश ल पाके सुंदर द्वार के पुरी के रास्ता पकड़ लिस कहे सियाराम। ये कन्हैया 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 राम, ये कन्हैया 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 राम, तो मुरली में गाजा तू धरे हवे राम, बंसी में गाजा तू धरे हवे राम, मुरली में गाजा तू धरे हवे राम, बंसी में गाजा तू धरे हवे कन्हैया 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 राम, पुकार लगा थे के हे सियाराम। आज कन्हैया कन्हैया के पुकार न सुनी भगवान कन्हैया जन खोल के दरवाजे देखे द्वार में सुंदर अर्जुन हितों खड़े है कहे सियाराम। कहे पार आज अचानक द्वार का आने का कारण क्या है पार, बताओ पार बताओ कहे सियाराम। अर्जुन हितों के कन्हैया आज तोला बड़े भी अधर्मराज तुम याद करे ही केशव, मैं सुंदर आप ले जाए बड़े आहो कहे सियाराम। भगवान कन्हैया है तुम कह का बड़े भैया धर्मराज तुम याद करे ही चलो पार चलो कहे सियाराम। ये दिदाई है आज कृष्ण और अर्जुन सुंदर द्वार का पुर ले हस्तिनापुर के ओर निकल गए कहे सियाराम। अतः बंसी बजाई कान्हरा अतः मुरली बजाई कान्हरा, होता है बंसी बजाई तह मुरली बजाई तह रासे रचाए सियारा। जमुना के किनारे रा जमुना के किनारे रा जमुना के किनारे रा अर्जुन है तन सुंदर आगे
धर्मराज तुन सिंहासन विराजमान है। जैसे ही भगवान कन्हैया ले देखते कहे प्रणाम केशव, प्रणाम केशव, प्रणाम कहे सियाराम। आज कन्हैया है तो कहे बड़े भैया उठो, बड़े भैया उठो कहे सियाराम। भगवान कन्हैया है तो कहे बड़े भैया आज मन बुलाई के कारण का है बड़े भैया, ते सुंदर मोला बता दे कहे सियाराम। आज धर्मराज है तो कहे कन्हैया तय तो जान थस केशव, आज 18 दिन के महाभारत युद्ध रहा जीते भर जीत कन्हैया, लेकिन हमर कुल के विनाश हो जे कहे सियाराम। एक कलंक तो मोर मस्तक में लगे कन्हैया, एक कलंक ला मिटाना बोला बहुत जरूरी है कहे सियाराम। एक ले मैं सुंदर सुमेघ यज्ञ के रचना रखी के विचार रखी कन्हैया, लेकिन तोर सलाह के जरूरत है कहे सियाराम। धर्मराज आज धर्मराज तन कन्हैया से बोला थे भगवान कन्हैया है तन कहे बड़े भैया बात तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन सबसे पहले ना तो पढ़ी कहे सियाराम। एक बार एक घोड़ा ला सजा धजा के सुंदर तोला जंगल में ले जाके छोड़े ला पढ़ी कहे सियाराम। अत्ता बात ला सुने धर्मराज तन मंत्री ले कहे मंत्री सुन बेटा जा हमर घुड़साल में जा और एक श्याम कर्ण नाम के घोड़ा ला सुंदर सजा धजा के कर राज दरबार में लेके आ कहे सियाराम। मंत्री है तुन के थे जो आज्ञा महाराज मैं अभी जात हूँ और तुरते लेके आत हूँ कहे सियाराम। अच्छा महाराज प्रणाम कहे सियाराम। ये गाले 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 हरि के भजन गोने गाले 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 हरि के भजन गोने गाले 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 प्रभु के भजन गोने गाले हरि गुण गाले पाछू पछतावे हरि गुण गाले ते पाछू पछतावे मुख के नाचत बना ले गाले 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 घोड़ा ला राज दरबार में ले भगवान कन्हैया धर्मराज और अर्जुन है तुम सुंदर पूजा अर्चना में लग गए कहे सियाराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु कुंडलिकाक्ष गरुड़ ध्वजा कहे सियाराम। कर्पूर गौरव तौणव तारम संसार सारम भुजेन्द्र हारम कहे सियाराम। आज सुंदर पूजा अर्चना करने के बाद घोड़े के मस्तिका भी सेक रथ कहे सियाराम। आज मस्तिका भी सेक करने के बाद घोड़े के गले में एक पाती ही ओला बांधा थे कहे सियाराम। ओ पाती में का लिखा है दाई हो यह घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा कहे सियाराम। ऐसे चुनौती भरे पत्र ल घोड़े के गले में बांध दी सियाराम और घोड़े ल भगवान कन्हैया तुम तीन परिक्रमा घुमा ली और सुंदर उत्तर दिशा की ओर छोड़ दी कहे सियाराम। एति धर्मराज तुम अर्जुन ल समझात के थे कि हे भाई अर्जुन सुन भैया तय ये घोड़े के साथ में जा और ये घोड़ा लेना तय सुंदर जंगल में छोड़ के आ कहे सियाराम। लेकिन इतना बात याद रहे भाई ये कोई साधारण घोड़ा न है भाई, ये धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के घोड़े कहे सियाराम। एक घोड़ा ला जे कोई भी पकड़ ही ना ओला तोर साथ में युद्ध करे ला पड़ी कहे सियाराम। अच्छा बात तो ध्यान में रख ले कहे सियाराम। अर्जुन है तो कहे जो आज्ञा बड़े भैया, अच्छा बड़े भैया प्रणाम कहे सियाराम। ये दिन आई हो आज अर्जुन हेतन
धर्मराज के आदेश ल पाके घोड़ा सुंदर जंगल की ओर ले जाते थे सियाराम। आगे आगे घोड़ा जाते और पीछे पीछे अर्जुन है तुम चला थे कहे सियाराम। घोड़ा भागा थे राम, 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 घोड़ा भागा थे राम। उतर दक्षिण घोड़ा पाछी, उतर दक्षिण घोड़ा पाछी, चारों दिशाओं भागा, घोड़ा भागा थे राम, घोड़ा भागा थे राम, घोड़ा भागा थे राम, घोड़ा भागा थे राम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं भागा थे आदेश पाकी बेटा ताम्र ध्वज तुम सुंदर शिकार खेले लया है कहे सियाराम। नहीं कहे तुम शिकार खेलती, शिकार खेलत खेलत अचानक ओकर नजर है तुम घोड़ा में पड़ जते कहे सियाराम। कहो इतना सुंदर घोड़ा, ऐसे घोड़ा तो हमारे मणिपुर राज्य में कहीं नहीं है कहे सियाराम। अरे चाल तो देखो कौन राज्य के घोड़े और कौन राजा के घोड़े कहे सियाराम। नहीं कहे तुम घोड़ा के तीर में जाके देखे घोड़ा ला देख देख घोड़ा के गले में पाती बंधा है तेरा देख पर इसके कहे सियाराम। नहीं कहे तुम मन में विचार करते ये तो कोई चुनौती भरे पत्र है कहे सियाराम। नहीं कहे तुम पढ़े लगते यह घोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा उसे महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध करने पड़ेगा कहे सियाराम। नहीं कहे तो चुनौती भरे पत्र ल पढ़े के बाद मन में विचार करते मैं भी छत्री का लाल हूँ, ऐसे चुनौती भरे पत्र को पढ़ने के बाद मैं इस घोड़े को छोड़ता हूँ, मैं इस संसार में तैर कहूंगा तैर 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 कहे सियाराम। इससे तो अच्छा ऐसा करता हूँ इस घोड़े को पेड़ में बांध देता हूँ कहे सियाराम। और मैं भी तो देखूं कि सर्जन में कितना तो कहे सियाराम। ऐसे सोच के लई कहे तुम घोड़ा ला पेड़ में बांध दी और बगल में छोटे से बालक है तुम खड़े हो गए कहे सियाराम। यदि अर्जुन है तुम मन में विचार करती थी कि हे भगवान घोड़ा कहीं नजर नहीं आती और बड़े भैया की ही है कि कोई साधारण घोड़ा नो है सियाराम, लेकिन कोई बात नहीं सियाराम, मैं घोड़े के पाँव के चिन्ह देख देख जाऊँ सियाराम, घोड़ा बोला कहीं न कहीं तो जरूर नजर आही कहे सियाराम। अर्जुन है तो मन में विचार करे थे और घोड़े के पाँव देख 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 आगे की ओर बढ़ा थे कहे सियाराम। आगे की ओर बढ़ा थे अचानक होकर नजर है तुम घोड़ा में पड़ जाते कहे सियाराम। मन में विचार करते रही लखे घोड़ा तो पेड़ में बंधा है और बगल में एक छोटे से बालक है तुम खड़े ही कहे सियाराम। कहिए बालक ये घोड़ा लगता है बांधे बेटा, ये घोड़ा लगता है बांधोगे ना तो ये लगता है छोड़ दे कहे सियाराम। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है बेटा, ये धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ के घोड़े कहे सियाराम। अब बोला जानता बेटा मोर का नाम है तेला कहे सियाराम। मोर नाम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी
मोर नाम सर्वश्रेष्ठ कंडिधारी, मोर नाम है अर्जुन 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 सारा नहीं कहे तुमको ये अर्जुन जान हुए शर्त है, जान हुए शर्त है अर्जुन तेरा नाम जो तुमसे उम्मीद है गर्वे सारा। अर्जुन कहे वार ये नान्हे मेरी बड़े झार, लड़का समझ के समझा थो बेटा तब वही न चुनौती भरे जवाब देते जा थस कहे सारा। अर्जुन है तुम ये बोले जरास छोकरे बहसत ये न बोली है तेरी ये बोली गोली सी मेरे हृदय संभाली है कहे सारा। नहीं कहे तुम ये अर्जुन मैं तनस्ता मगर मेरा रस अतड़ा, अरे मैं तनस्ता मगर मेरा रस अतड़ा, अरे अर्जुन के धमकी दिखाता मुझे तेरे धमकी से मैं खो खाता नहीं जोर जोत के जुहार। अर्जुन का दीवार नान्हे मेरी बड़े झार, लड़का समझ के समझा थो बेटा तब वही न चुनौती भरे जवाब देते जा थस कहे सारा। अर्जुन है तुम की ये बोले मार मार के पान करूं, हर मार मार के पान करूं पुर्चे सिर धर गए आने से अंबार चीर दूं मुंडन कदर देखे नहीं सारा। अर्जुन का ये बोले हो जा तैयार कहे सारा, लड़का घर कोई कमी नहीं जाए हो लड़का है तुम ये अर्जुन हाँ हाँ तैयार कहे सारा। भजो रामा सिया रामा भजो रामा रामा भजो रामा सिया रामा भजो प्रकट हो गए कहे सारा। कहे पार आज इस निर्जन वन में मुझे बुलाने का कारण क्या है पार बताओ पार बताओ कहे सारा। अर्जुन है तुम कढ़िया आज अठारह दिन का भारत चला एक भुजा के तक मुझे तक कसो आज अठारह दिन का भारत चला एक घंटे के तक मुझे तक कसो आज अठारह दिन का भारत चला लेकिन एक छोटे से बालक बोले युद्ध प्रस्त कर इसके लिए एक कारण क्या है कैसो एक कारण क्या है। आज भगवान कन्हैया है तुम कह पार तुला अपन गांडी के प्रति अहंकार तुला अपन भुजा की ताकत की अहंकार यहाँ तक तुला अपन भक्ति में अत्यंत घमंड होगी कि तो ये समझ ले कि ये संसार में तोर से बढ़ के और भगवान की कोई दूसर भक्त नहीं कहीं नहीं पार्थ नहीं
ये ते भूल है के हे सियारा ये संसार में भगवान के अनंत भक्त है सियारा जे में से एक भक्त ही राजा मारध्वज के हे सियारा जयकर पुत्र ताम्रध्वज के साथ आज तक युद्ध करत रहे जे में बेटा ताम्रध्वज तुम आज तोर से युद्ध में विजय प्राप्त करे के हे सियारा अर्जुन ने तुम कहे नहीं करियो कह दो ये झूठ है ये झूठ है ये झूठ है कहे सारा भगवान कन्हैया है तुम कहे नहीं पार ये झूठ नहीं है ये बिल्कुल सत्य है कहे सारा अर्जुन क्यों मूर्ख हुए अर्जुन क्यों मूर्ख हुए सोच समझ मन मारी और भक्त के लिए इस जगत में कठिन काज कुछ नहीं भक्त प्रताप से रावण ने भक्त प्रताप से रावण ने हजार बार कैलाश उठाया है भक्त प्रताप से ध्रुव प्रहलाद ने आकाश मार्ग प्रकट है कहे सारा आज अर्जुन हजन के नहीं करिए नहीं तब तो बोला राजा तो छड़े दिखा तब है मानू कि वर्ष महान भक्त है कहे सारा आज भगवान कन्हैया है तुम कहे पार दहन और राजा के परीक्षा लेके ख्याल अपन दिल से निकाल दे सरा कबर हम कोई राजा के पास परीक्षा लेकर जाबो ना तो हमला खाली हाथ वापस आए लपड़ ही कहे सारा अर्जुन हेतु के नहीं कन्हैया अब तो बोला पूरा जीत है जो राजा को परीक्षा लेके दिखा तब है मारू कि वर्ष महान कहे सारा भगवान कन्हैया है तो उनके ठीक है पार तोला अपन भुजा के प्रति अतेक अहंकार अपन भक्ति में अतेक घमंडी तो आज तोर घमंड न तोड़े खातिर पर शरा और राजा के जरूर परीक्षा लेके दिखाऊं बुलाई अमराज को छे केहरी के रूप में आई और हम दोनों ब्राह्मण का भेद धारण करेंगे कहे सारा ओम अमराज दिवाई नमः ओम अमराज दिवाई नमः कहे सारा भगवा ढिलागे रणकुनिया में दुर्गा ताई भगवा ढिलागे भगवा ढिलागे भगवा ढिलागे और कृष्ण अर्जुन तो सुंदर ब्राह्मण के भी धार के ही सारा और तीनों राजा के राज महल की ओर जावत ही के ही सारा श्री हरि गोविंद बोल मनवा श्री हरि गोविंद बोल श्री हरि गोविंद बोल Shri Hari Govinda Bole Rama Shri Hari Govinda Bole Manewa Shri Hari Govinda Bole He Banwari Ram He Giridhari He Banwari Ram He Samadhav Bole Manewa Shri Hari Govinda Bole Manewa Yeah.
से ही राजा मोर ध्वज छान देही की आवाज ने सुनी। खोल के दरवाजा देखी दो ब्राह्मण तो द्वार में खड़े है कहे सारा कहे प्रणाम ब्राह्मण देवता प्रणाम स्वामी प्रणाम कहे सारा हे ब्राह्मण देवता हो आसन ग्रहण करो महाराज आसन ग्रहण करो कहे सारा जय सियाराम। आज राजा मोर ध्वज तुम कहे कि हे ब्राह्मण देवता आज कौन जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी में पधारे हो महाराज आज तुम्हार दर्शन पाके मोर जीवन को धन्य हो कहे सारा हे ब्राह्मण देवता हो आज कौन डहर ले आज महाराज आज तुहर पाँव के चरण के धूल न पड़ी ये मोर महल हिंदु पवित्र हो गए ब्राह्मण देवता की तार्थ हो गए कहे सारा हे ब्राह्मण देवता हो तुम्हें कौन ढल आज मैं आप मन के पास सेवा बजाओ कहे सियाराम ब्राह्मण देवते तुम के सुनो राजा मुरत हम तो दान सिंचेगी बहुत से गुणगान सुने राजन सो आपके यहाँ भिक्षा मांगने चले आए कहे सियाराम राजा मुरत ध्वज तुम के ब्राह्मण देवता ये तो मोर प्रम सौभाग्य ब्राह्मण देवता जेन आज साधु संत के सेवा करत और भूखे प्यासे ला भोजन खिलावत ये मोर दिन हित व्यतीत होत है कहे सारा पर ब्राह्मण देवता मोला ये तो बताओ महाराज कि मैं आप मन की का सेवा बजाओ कहे सारा ब्राह्मण देवता तुम के सुनो राजा मन ध्यान से सुनो कहे सारा दो दिन के भूखाई से भी राजा और तीन दिन के भूखाई ब्राह्मण है राजा सही हमर मंदिर सुंदर भोजन की व्यवस्था करा दे के सारा हे राजा मुरध हम तीन दिन से भूखे हैं राजा तय सुंदर हमर मंदिर भोजन की व्यवस्था करा दे के सारा राजा मोर ध्वज तुम कहे ब्राह्मण देवता पर बोला ये तो बताओ महाराज कि मैं आप मन पर कैसन भोजन की व्यवस्था करूं आप पर जैसन भोजन कहो ब्राह्मण देवता मैं वैसे भोजन के व्यवस्था करा दूं कहे सारा ब्राह्मण देवता तुम कहे सुनो राजा मोर ध्वज अरे सबसे पहली तो ना तय हमार शेरवन मांस की व्यवस्था करा दी कहे सारा राजा मोर ध्वज तुम जो कहे जो आज्ञा ब्राह्मण देवता जो आज्ञा कहे सारा आज राजा है तो उन मंत्री ले कहे मंत्री सुन बेटा आज भगवान स्वरूप हमर घर में दो ब्राह्मण देवता आ है मंत्री बेचारा मन तीन दिन के भूखा है बेटा और साथ में ना एक शेर आए वह दो दिन के भूखा है मंत्री तो सबसे पहले ना तो शेर भर मांस की व्यवस्था कर दे कहे सारा आज राजा है तुम कहे मंत्री तय हमर गौशाला में जा और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त एक बकरी ला लाके शेर के आग में डाल दे कहे सारा शेर है तुम मांस की खाने वाला है बेटा बेचारा शेर है ना बकरी के मांस ला खा के अपन भूख ला मिटा ली कहे सारा मंत्री है तुम कहे जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा मैं अभी जाती हूँ और तुमसे लेके आज हूँ कहे सारा अच्छा महाराज प्रणाम कहे सारा अच्छा बात ला सुने साधु महात्मा है तुम कहे ठहरो राजा मोर ध्वज हमारा शेर है ना वो तो बकरी के मांस ला खा खा के त्रस्त हो गए राजन बोले तो कुछ और मान चाहिए राजन नरम नरम कोमल कोमल राजा मोर ध्वज तुम कहे ब्राह्मण देवता हूँ तुहर शेर ला कैसन नरम नरम कैसन कोमल कोमल मान चाहिए महाराज तुमन जैसन मांस कहो मैं वैसन मांस की व्यवस्था कर दूँ कहे सारा ब्राह्मण देवता तुम कहे सुनो राजा मोर ध्वज हम ऐसे थोड़ी बता दे पहली तय हमला वो सूर्य देवता साक्षी मान के वचन दे तोर बेटा ताम्र ध्वज की कसम ले तब है हम बता दे
की हमर सेरला कई सम्मान चाही कहे सारा आज राजा मोर ध्वज तुन कहे ब्राह्मण देता हूँ काय राजा मोर ध्वज के बाद में भरोसा नहीं है ब्राह्मण देवता मैं रघुकुल के ब्राह्मण देवता छठी धर्म यो कहे सारा आज रघुकुल रीते सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाए कहीं सारा हे ब्राह्मण देवता हो मैं क्षत्रिय धर्म को ब्राह्मण देवता आए एक बार ये राजा मोर ध्वज तुम वचन दे दो ना मोर वचन है तुम कभी खाली नहीं जाए ब्राह्मण देवता भले मोर प्राण है तुम चले जाए कहीं सारा फिर आज आप मल्ल भोजन खिलाए खातिर बन मैं आज वो सूर्य देवता साक्षी बनात हो कहीं सारा आज राजा मोर ध्वज तुम सूर्य देवता साक्षी माना थी कहीं सारा हे सूर्य नारायण स्वामी आज तक साक्षी रही दे आज मोर घर में आए दो ब्राह्मण होकर साथ में आए एक शेर बोला होकर मन इच्छा भोजन दू कहे सारा बेटा ताम्रध्वज आज तो कसम है बेटा तो सुंदर मोला माफ कर दे कहे सारा आज राजा मोर ध्वज तुम कहे ब्राह्मण देता हूँ अब तो आज्ञा करो ब्राह्मण देवता अब तो आज्ञा करो कहे सारा साधु महात्मा है तुम कह ठीक है राजा मोर ध्वज ठीक है सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं कहे श्याम आज तय अर्तर नारी तोर बेटा ताम्रध्वज आरम काट के शेर ला देवे श्याम नहीं नहीं मेरा दोता नहीं अरे समझ का ब्राह्मण दोता ब्राह्मण दोता महाराज जी बेटा पर्याय के कितारा प्राण के दारा ब्राह्मण दोता ब्राह्मण देवता आज ये तुम्हारे कैसे वचन मान लो ब्राह्मण देवता आज बोल बैठे कहते तुम्हें अपन बोल मान लो मान लो ब्राह्मण देवता भाई अपन प्राण आज तुम तुम दे दो ब्राह्मण देवता बोल बैठे है छोड़ दो स्वामी बोल बैठे है छोड़ दो ओ राजमर्दन मैं तो ऐसा लगता है कि आप सत्यवादी नहीं असत्यवादी हो वचन के पक्के नहीं वचन के कच्चे हो राजमर्दन जितने के नहीं प्राप्त होते नहीं ऐसा मत हो प्राप्त होता ऐसा मत हो प्राप्त होता आज के भारत के बाद तो प्राप्त होता आज वो भारत के अधिकार रानी राजा धन के ब्राह्मण के अधिकार ब्राह्मण देवता आज बड़ा एक तरीक समय तो ब्राह्मण देवता भाई बंदारी तो तलाब मंदिर के प्याज तो ब्राह्मण देवता और बंदारी तो तलाब मंदिर के प्याज तो ये गिरा जब मर धक जाओ और जल्दी से जल्दी अपने नारी से सलाह मशीन के किया हो कहीं सारा जो आज्ञा ब्राह्मण देवता जो आज्ञा कहे श्याराम नहीं चाहिए ये ब्राह्मण देवता यार क्या पर बोला कहीं से वचन मांग लो ब्राह्मण देवता बोला कहीं से वचन में मांग लो स्वामी बोला कहीं से वचन में मांग लो नहीं चाहिए दिल दुखारा नहीं चाहिए दिल दुखारा किसी का सजा ना रहा है सजा ना रहेगा
करियो बांधो महाराज सदा ना रहे सदा ना रहे जमाना किसी का रहा दास पूछे घड़ी सुबह की राशि मेरे सो बताओ न मुझको बताओ सिया राम भजो सिया राम राम सिया राम भजो सिया राम भजो बताओ बताओ पिया स्वामी बता ना स्वामी आज ऐसे क्या बात है स्वामी बोला बता दे के राजा मरद के पद्मा आज तेरा क्या बात ला बताओ नारी आज तेरा क्या दुख ला बताओ पद्मा आज तेरा क्या तकलीफ ला बताओ तो प्यारा आज हमारे घर में दो साधु आए पद्मा आज वो कर साथ में चेहरा है नारी आज वो साधु मन बोला वचन मांगी के पद्मा आज वो वचन में बदियो पद्मा आज वो शेर बन तोर बेटर मांगे पद्मा तबे राजा मर्द कहे पद्मा दो साधु जो आए मेरे द्वार को उनका तारीफ करना सुनाया राम मांगा बेटा तेरे कहने के लिए राम मांगा बेटा तेरे कहने के लिए राम सो देने में दिल थर थराया तिया राम भजो तिया राम राम तिया राम भजो तिया राम तिया राम भजो तिया राम राम तिया राम भजो तिया राम राम रानी पद्मा है तुम कहे स्वामी तुम कैसे बात करते हो स्वामी
आज सलाह वाली बात कहा जे स्वामी आज ते मोर से सलाह ले लिया हो के तो स्वामी आज ये सलाह वाली बात कहा जे ते जाराम रानी पद्मा तो के स्वामी आज बेटा के बारे में मैं बोलता स्वामी आज बेटा बोल दो बेटा तोरे स्वामी ते बेटा ना दे दे स्वामी राजा मोर ध्वज तिन के पद्मा मैं तो दे चुका दिल मजबूती कर सिर पर लेने सला तेरी आया पिया मांग बेटा तेरी हरी के दीरा मांग बेटा तेरी हरी के दीरा सुदेन में दिल थरथराया पिया राम भजो दिया राम दिया 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 राम भजो दिया सदिसारोपति असुदिसारोपति राम सदिसारोपति सुदिसारोपति राम सदिसारोपति सुदिसारोपति राम भजो राम राम भजो कैसे लीला कृषि माया प्रभु बेटल जय के बेटल छिन्ना चाहत परमात्मा बेटल जय के बेटल छिन्ना चाहत कहे जाम भाई नाई क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा परवाने वाह परवाने
ये माता लंबोत से बच्चों के ही सारा से छोटा हो दाई वो तो बदला हो के तुर लगाला तो बदला हो के तुर लगाला से छोटा हो दाई वो तो बदला हो के तुर लगाला कोई काम में नहीं आई माँ ए में दुखी मत मनाओ माँ ये में दुखी मत मनाओ कहे आज नहीं कहे तुम कहे पिताजी ए पिताजी उठ जा पिताजी पिताजी उठ जा पिताजी पिताजी उठ जा पिताजी नहीं पिताजी ऐसे बात मत कर पिताजी पिताजी आज ये संसार सागर में जाए वो सब तो एक न एक दिन जाए बने पिताजी लेकिन पिताजी आज आप एक बात कहना चाहूं शराम आज आप एक बेटे के जगह भी एक लाख बेटा भी नहीं पिताजी लेकिन एक बार ये सत्य चलेगी ना तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है शराब दोबारा वापस आने वाला नहीं है बेटा अरे से मत बता अरे तेरे तो हमारे कुल के दीपक है बेटा तेरे तो हमारे यार की जिंदारा प्राण के दारे उतरी अरे से मत बता बेटा अरे से मत बोल पिताजी अब तू ये संसार सागर में छोड़ के जाने वाला है पिताजी ये संसार सागर छोड़ के सब ले जाना पड़ी पिताजी एक दिन कहीं ले जाना पड़ी एक दिन माला जाना पड़ी एक दिन पूरा संसार ले जाना पड़ी कहीं सारा जय सियारा औ तुला मोला सब ले जाना हेरा पिताजी
एक न एक दिन ये संसार सागली सब छोड़ के जाना है पिताजी को नई हर रहना बोला सबोला जाना हेरा फिर जाए के तो दस बहाना जाए के तो दस बहाना हेरा फिर जाए के तो दस बहाना है दोनों पालक बन जाते दोनों जाते जवानी मेरा दोनों बूढ़ा दे कल बजाते दोनों जाते ना जानी मेरा पिताजी Go!
राजा थक तीन घंटे हो गए अभी तक भोजन का व्यवस्था नहीं हुआ। भोजन देना है तो दो राजन, यही तो तुम्हारे दौर से ये साधु महात्मा भूख प्यास चले जाएंगे। शरम नहीं नहीं ब्राह्मण देवता नहीं, ऐसा बंदा हम ब्राह्मण देवता आज तक राजा बोल दिन की दिन बोल ली ये कारी बिना बिच्छा लिया वापस रहेंगे ब्राह्मण देवता भूख के बिना भोजन के कल हाथ वापस रहेंगे। शरम दो ब्रह्म से कल हाथ वापस जाएगा दिन। शरम ऐसे बंदा ब्राह्मण देवता ऐसे बंदा नहीं ब्राह्मण देवता हो ठीक है राजा मोर ध्वज जाओ जल्दी से जल्दी भोजन की व्यवस्था करो कहीं सारा जो भाग्य ब्राह्मण देवता जो भाग्य कहीं सारा। आज राजा मोर ध्वज तुम कहे मंत्री सुन बेटा जा मंत्री हारा लगे बेटा हारा लगे कहीं सारा क्या महाराजा कहीं सारा। और राम सिया रामा हे रामा और राम सिया रामा हे राम और राम सिया रामा हे संतो राम सिया रामा हे राम राम सिया रामा हे रामा राम सिया रामा हे राम राम सिया रामा हे रामा राम हे राम राम सिया 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 राम हे राम। भाई दिन जाए पहलो में चतुरा आला ला किसी जाए राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम। जय रवि उताई के काके दिनला तुमसे ये दिन जाए आंसू गाय खाके हुआ। सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम। बिहाय दिन जाए आरा लाल चेहरा तुमसे यौ दिन जाए आगे यौ कहो राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम राम सिया राम हे राम। हरि गाय राम सिया राम हे राम राम सिया राम
राजा मन ध्वज तिन के पदमा हर हर अपने जमाल के धर्म नारी हर हर अपने जमाल के धर्म के इशारा आज रानी पद्मा तिन के स्वामी आज हर हर कैसे जमाल के धर्म स्वामी आज तेरे दियार के धर्म देखते ना आज कोमल बदन देखते स्वामी आज पर हृदय हेतु पाप जाते स्वामी आज कले जाए तो चली चली हो जाती के हिस्सारा रानी पद्मा है तो के स्वामी ये परजंड मेरे महल का उजाला मेरा ये परजंड मेरे महल का उजाला मेरा अचानक राम ने ये पाजर मुझे राम रामा भजोतिया राम है राम राम रामा भजोतिया राम है राम भजो राम भजो राम सिया राम है राम भजो राम भजो राम सिया राम है राम आज राज अमर ध्वज तुन गए रानी पद्मा अरे से घर में तो कहीं के बड़ी नारी अरे से मजगर पद्मा अरे से मजगर कहीं नारियों के क्यों मेरे ज्ञान को बिसारा है राम नारियों के क्यों मेरे ज्ञान को बिसारा है राम चीर दो लाल गुल साथ के साथ राम रामा भजो सिया राम है राम राम रामा भजो सिया राम है राम के ऊपर आया चला समय तक तुहर दोनों के आखिर एक बुद्ध मिला सुधी राजन तो हमर शेर है ना वापस भूखे प्यासे चले जाए इतना बात हर मेरे ही के ही सारा आज राजा मोरा ध्वज तुन के पद्मा आज आ रहा ल बने जमा के धन नारी आज कहता ल सत्य के सारे में चीज नारी सत्य के सारा में की देते हैं सारा जय श्री राम रानी पद्मा जन के स्वामी आज बैठे ल कहते सत्य के सारा में लेके चीर स्वामी आज तेज यार के धार में देखते ना और दूध मुहा बालक में देखते स्वामी आज पर कले जाए तो छली छली हो जाती कहीं सारा जय श्री राम दूध मुखी बाल में कोमल बदन कोमल बदन काला लहरा अचानक राम ने ये बज्र मुझ पे डाला राम रामा भजो सिया राम रामा भजो सिया राम रामा चीरन लागे रामा मोर दाई
और सुंदर ब्राह्मण जो तेरे आप को
तहो भोजन तैयार ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण करो ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण के रूप हे सियाराम आज ब्राह्मण देवता तुम दो थाली भोजन ला देखते कही एक थाली भोजन और लाओ राजन एक थाली भोजन और लाओ कहे सियाराम आज राजा मोरा ध्वज तुम कहे ब्राह्मण देवता दो थाली भोजन तुम्हें ब्राह्मण देवता ये तीसरा थाली भोजन तेज भाई महाराज ये तीसरा थाली भोजन तेज भाई कहे सियाराम आज ब्राह्मण देवता तुम कहे सुनो राजा मोरा ध्वज हम निसंतान का भोजन ग्रहण नहीं करम सियाराम अब तो तय निसंतान हो गए अब एक उपाय ही कि तय अपन बेटा ले बुरा तभी हम साथ में भोजन ग्रहण कर बुक कहे सियाराम आज राजा मोरा ध्वज तुम कहे हे ब्राह्मण देवता ये तुमने कैसे बात कर दी ब्राह्मण देवता आज मैं अपन बालक ने कहा से बुला ब्राह्मण देवता आज तो हर साल में बालक ने दो भाग बांटे ब्राह्मण देवता एक भाग में पहल में लेके गए और दूसरे भाग में सेल लगे ब्राह्मण देवता आज वो बालक ने कहा से बुला ब्राह्मण देवता आज वो बालक ने कहा से बुला कहे सियाराम ब्राह्मण देवता तुम कहे सुनो राजा मोरा ध्वज तुम अपने बेटे को बुलाओ नहीं तो फिर सत भी गया तुम्ही गया रह जाए ठन ठन काल कहे सारा ये क्या हूँ देवता मैं कैसे बुलाऊँ ब्राह्मण देवता आज मर खोए बालक लोग मैं कैसे बुलाऊँ कहे सारा ब्राह्मण देवता तुम के सुनो राजा मर ध्वज एक बार तो हमार कहना लो मान और अपन बेटा लो जोर से आवाज लगा के तुझे कहे सारा जो आज जा ब्राह्मण देवता जैसे आप मन की इच्छा कहे सारा बेटा ताम्रध्वज तैयार जा बेटा पिताजी पिताजी वाह बेटा वाह तैयार जी बोला बढ़िया की तारा पर चढ़ा तैयार जी कहीं सारा आज राजा रानी तो नहीं अपन खोए हुए बेटा ला वापस पाए के बाद सुंदर ब्राह्मण देवता फरियाद करत है कहे सियाराम कहे कि हे ब्राह्मण देवता आज तुहर के अनुसार मैं अपन बालक ला दो भाग में काटा ब्राह्मण देवता और तुहर के अनुसार अपन बालक ला आवाज लगा तो मोर बालक जीवन मोला पुनः जीत मिल गई कहे सियाराम बोले तो वही से लगते ब्राह्मण देवता क्या अपन कोई साधारण साधु महात्मा नो महाराज कोई साक्षात भगवान के अवतारो बोला कृपा करके अपन वैष्णव रूप में दर्शन दो कहे सियाराम आज राजा मोरा ध्वज तुम अपन यशली रूप के दर्शन दो भगवान ऐसे कह के सुंदर माथ नवाए धीरे 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 अपन ब्राह्मण भेषला त्यागते हुए अपन असली रूप में आके कहे सियाराम आज राजा मोरा ध्वज तुम सुंदर माथ नवाहे और ब्राह्मण भेष को धीरे 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 छुपाते हुए अपन साक्षात रूप में आज थे कहे सियाराम कहीं हो राजा मोरा ध्वज हो कहे सियाराम आज राजा मोरा ध्वज तुम साक्षात भगवान ल देख के कहे रानी पद्मा आज आरती के थाली सजा के लाले नारी आज हम घर में भगवान लाए कहे सियाराम आओ आप सब सभी निवेदन है सियाराम कि सुंदर आरती में ताली बजा के साथ भी कहे सियाराम जय सियाराम आरती कुंज बिहारी की राम श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की राम आरती कुंज बिहारी की राम श्री गिरधर भगवान और चंद्र
प्रणाम करत कहे प्रणाम भगवन प्रणाम भगवन प्रणाम कहे सियाराम जुग जुग जियो राजा मोर धज जुग जुग जियो कहे सियाराम सदा सौभाग्यवती रहो बेटी पद्मा सदा सौभाग्यवती रहो कहे सियाराम कल्याण हो बेटा ताम्र ध्वज कल्याण हो कहे सियाराम उठो राजा मोर ध्वज उठो कहे सियाराम आज भगवान कन्हैया है तो राजा मोर ध्वज ने कहे कि हे राजन आज हम तो सत्य और धर्म धर्म के परीक्षा ले खातिर बना रहे राजन सो आज तेरे पास हो गए वरदान मांग ले के हे सियाराम राजा मोर ध्वज तुम कहे भगवान आज मैं क्या वरदान मांगो प्रभु आज आपके साथ साथ दर्शन हो गए भगवान आज मोर जीवन हेतु धन्य हो गए के हे सियाराम जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम मुख आवत नाही कहे सियाराम भगवान यतन कहे फिर भी राजा मोर ध्वज कुछ तो वरदान मांगो राजन कुछ तो वरदान मांगो कहे सियाराम राजा है तो कहे भगवान यदि आप मन मोला देना ही चाहत हो प्रभु तो बोला सिर्फ एक वचन दो क्या जैसे कठिन परीक्षा मोर से ले हो एक कलयुग में कोनो मानव प्राणी से ऐसे कठिन परीक्षा मत लो सियाराम नहीं तो ये संसार में तुहर नाम लेने वाला नहीं रही कहे सियाराम बोला इसने वचन दो कहे सियाराम भगवान कन्हैया है तो उनके ठीक ही राजन हम तुम्हें वचन देते हैं आज के बाद हम ऐसे परीक्षा किसी से नहीं लेंगे कहे सियाराम यदि अर्जुन है तो उनके भगवान बोला माफ कर दो भगवान मैं आज तक कहने लगा मैं नहीं मानव कन्हैया बोला अपन आप में घमंड हो गई प्रभु कि मैं ये समझ रहे हो कि संसार में मोर से महान भक्त नहीं गए लेकिन मोर से महान भक्त राजा मोर ध्वज है प्रभु बोला क्षमा करो कन्हैया बोला क्षमा करो कहे सियाराम उठो पार उठो कहे सियाराम ये दिनाई हो आज भगवान कन्हैया और अर्जुन है दोनों सुंदर राजा के वचन में बंदगी और अपन लोक में प्रस्थान करत ही कहे सियाराम आद आए हो मोर मोरवाणी में कोनो प्रकार से त्रुटि हो भैया कोनो प्रकार से गलती हो सही साधन दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना ही कहे सियाराम मैं अपन वाणी लाई ही करे विराम दे तो भैया आओ एक भजन के बाद सादर मन से विदाई कहे सियाराम माया ले ले माया दे दे माया रो जाए तेरा रामा माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रो जाए Oh,
जय हो शंकर भगवान की जय हो। पूजा रोहन और चांदनी पटेल की तरफ से भगवान के चरण कमल।